Hello friends, my name is Sujit and welcome to my channel once again, Relishing Foods. So, aayiye aaj hum banate hain ek nayi aur innovative recipe, Idli Manchurian. So, ji haan dosto, ek bahut hi innovative recipe hai jisme hum South Indian aur Chinese cuisine ko fuse karenge. So, aayiye sabse pehle hum ingredients dekhte hain idli marination ke liye. To yahan lenge hum 2 tablespoon corn flour, 2 tablespoon maida, 1 teaspoon red chilli powder, Kashmiri, 1 teaspoon coriander powder, 2 teaspoon lime juice, 1 teaspoon jeera powder, and salt to taste. तो आइए नोट कीजिए अब मंचूरियन ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स. तो सबसे पहले हम लेंगे 2 tablespoon green chilli sauce, 1 teaspoon chilli vinegar, 1 teaspoon manchurian powder, 1 teaspoon soya sauce. And 4 tablespoon tomato sauce. तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, तो 4 tablespoon दही लिया मैंने बिल्कुल fresh. इसको हम marination में use करेंगे. और साथ में हम लेंगे 2 लाल मिर्च, एक medium कटा हुआ प्याज, एक green chilli, peppercorns और 10 से 12 कड़ी पत्ते, जिसका कि हम paste बना लेंगे इसको grind करके. ये भी marination के वक्त use करेंगे हम. और इसके बाद हम लेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन और क्यूब शेप में कटा हुआ प्याज, तो इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे. और इसके बाद यहाँ पे मैंने इडली पहले से ही तैयार करके रख ली है, तो ये छोटी इडलीज मैंने तैयार की हैं. आप चाहे तो बड़ी इडलीज के साथ भी बना सकते हैं इस रेसिपी को. तो 10 से 12 इडली ले लिया है मैंने. और इसके बाद हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, तो इडली इसमें मैरिनेशन के बाद इसमें कोट करके फ्राई करेंगे. तो यहाँ पर हम लेंगे रिफाइंड, तो 4 बड़े चम्मच हम फ्राई करते वक्त यूज़ करेंगे इडली को, और 2 बड़े चम्मच हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे. तो चलिए अब हम बना लेते हैं इन इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट. तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे, प्याज, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, पेपरकॉर्न्स और हरी मिर्च. तो देखिए इस तरह का पेस्ट बनेगा, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है इसका. तो इसको मैरिनेशन में यूज़ करेंगे. और अब हम जो इडली हमने लिए हैं उनको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ पे मैंने छोटी इडली ली है, तो मैं इनके 2 पोर्शंस करूँगा. अगर आप बड़ी इडली ले रहे हैं तो उसको आप 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. तो देखिए बहुत ही हल्के हाथों से इसको काट देंगे, बहुत ही सॉफ्ट होता है इसलिए ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह दूसरों को भी काट लेंगे. ये देखिए इस तरह से. तो चलिए अब हम मैरिनेशन की तैयारी करते हैं. तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है और सबसे पहले हम लेंगे कर्ड. तो यहाँ पर मैंने दही डाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न फ्लावर. तो जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उतनी क्वांटिटी में लें सब चीज़ें. और इसके साथ ही हम डाल देंगे अब मैदा. और इसके बाद हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर. और इसके बाद हम डालते हैं कोरिएंडर पाउडर, फॉलोड बाय जीरा पाउडर. अब हम जीरा पाउडर डाल देंगे. और इसके बाद हम डालते हैं नमक. तो नमक हम 2 टाइम पे यूज़ करेंगे, एक मैरिनेशन के टाइम पे, एक ग्रेवी बनाने के टाइम पे. तो नमक के बाद हम डाल देंगे इसमें पेस्ट, जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो डाल दें. तो सारे का सारा पेस्ट मैंने यूज़ कर लिया है. और साथ में ही मैंने डाल दिया है लाइम जूस. और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे. तो मसाले को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि पूरी तरह से मिक्स हो जाएँ. तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए. और अब हम इसमें इडलीज डाल देंगे. तो इडलीज को अच्छी तरह से कोट करना है हमें, तो अच्छी तरह से मिलाएं. ये देखिए इस तरह से. आप चाहे तो छोटे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और अब हम इसे 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले एब्जॉर्ब कर लें इडली. तो हमारे इडली अब मैरिनेट हो चुके हैं और इनको फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल चढ़ा दिया है. तो अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं इडली फ्राई करने की. तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है, तो इडली को हम ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे इसकी. ये देखिए इस तरह से कोट कर लें चारों तरफ से ताकि इडली की क्रिस्पीनेस बनी रहे. और हमने इसे अब ऑयल में डाल दिया फ्राइंग के लिए. यहाँ पर मीडियम रखा है मैंने गैस का फ्लेम. और इसी तरह दूसरी इडली को भी कोट करके ऑयल में डाल दें.
इसी तरह बाकियों को भी डाल दें। और यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि ये मुश्किल से एक से दो मिनट में पक जाते हैं, तो हमें इसे पलटते रहना है ताकि ये चारों तरफ से इक्वली फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे ये इडलीस फ्राई हो गई हैं अब, तो इसे स्ट्रेन करके किचन टॉवल पे हम निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसी तरह से अपने सारे इडलीस को हम फ्राई कर लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने अपने सारे इडलीस को फ्राई कर लिया अब, और चलिए अब हम तैयारी करते हैं ग्रेवी की। तो चलिए अब हम अपनी मंचूरियन ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है, और पैन के गर्म होते ही हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ये देखिए इस तरह से। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हम दो क्यूजींस का फ्यूज़न बना रहे हैं यहाँ पे, चाइनीज़ और साउथ इंडियन। तो चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पे चाइनीज़ सॉस, मंचूरियन सॉस ग्रेवी। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें अब डालेंगे हम चॉप्ड गार्लिक, ये देखिए। यहाँ पे फ्लेम मीडियम पे रखें, और साथ में ही मैंने क्यूब शेप्ड प्याज अनियंस डाल दिए हैं, इसको हल्का सा फ्राई कर लें। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, प्याज के ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। तो इसको बीच बीच में जलाते रहें, और ध्यान रहे कि फ्लेम मीडियम ही रहे, तेज फ्लेम में प्याज तुरंत पक जाता है और जल भी सकता है, और लहसुन तो बिल्कुल ही जल जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे चलाते रहना है, और अब हम इसमें कुछ सॉसेज डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसमें सोया सॉस, ये देखिए। इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, और इसके बाद हम डालेंगे टोमेटो सॉस, देखिए। और अब इसमें रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो रेड चिली सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं ऑप्शन के तौर पे। इसको मिक्स कर दें, ये देखिए इस तरह से। और अब हम डालेंगे मंचूरियन पाउडर, तो जो मंचूरियन पाउडर हमने शुरुआत में लिया था वो डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसको मिक्स कर दें, इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, ये देखिए इसे मिक्स कर दिया हमने। और साथ में ही हम डालेंगे अब इसमें, ये देखिए, चिली विनेगर। तो यहाँ पे मैंने चिली विनेगर यूज़ किया है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ये देखिए। इसको मिक्स कर दिया, और अब हम इसमें यहाँ पे नमक डालेंगे। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें आप, अब तेज खाते हैं तो ज़्यादा, कम खाते हैं तो कम, ये देखिए। अब इसको मिक्स कर दें अच्छे से। तो ये देखिए हमारा सॉस अब करीब करीब तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो इडली हमने फ्राई किया था, ये देखिए, एक एक करके इडली डाल दें, और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दें ताकि सारे फ्लेवर्स इडली में मिक्स हो जाएं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से। अब फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखें, ये देखिए सारे सॉसेस इडली के ऊपर कोट हो गए अच्छी तरह से, ये देखिए। और ये डिश अब करीब करीब हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये लीजिए अब साउथ इंडियन और चाइनीज़ रेसिपी का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने कहा था एक फ्यूज़न तैयार है, इडली मंचूरियन। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उमदा रेसिपी है, तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा ये। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।